हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8th दी ओपन विंडो के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द विंडो इन द स्टोरी। तो जो विंडो है उसकी कहानी के अंदर क्या महत्वता है। आंसर है, द विंडो इन द स्टोरी रिवील्स नीज हैबिट ऑफ प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स। तो विंडो जो है इस कहानी में, उससे जो नीज है उसकी जो हैबिट है मजाक करने की और चुटकुले या प्रैंक करने की, उसका पता लगता है। द विंडो इज सेंट्रल टू द स्टोरी। दो द आंट्स हस्बैंड अलोंग विद हिज टू ब्रदर इन लॉ हैड गॉन आउट हंटिंग, फ्रैम्पटन इज फ्राइटेंड टू सी देम कमिंग टुवर्ड्स द विंडो। तो जो है ना, विंडो जो है ये कहानी का सेंटर है, और जो आंट है उसके हस्बैंड और दो ब्रदर इन लॉ जो हैं वो हंटिंग करने जरूर गए थे, परंतु जब फ्रैम्पटन जो है उनको देखता है उस खिड़की से आता हुआ तो डर जाता है। टेकिंग देम फॉर गोस्ट ही रश्ड आउट ऑफ द गेट। उसे लगता है कि भूत आ गए और भाग जाता है गेट से। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वॉज फ्रैम्पटन नेटल्स सफरिंग फ्रॉम। फ्रैम्पटन नेटल है उसको क्या बीमारी थी, उसको क्या दिक्कत थी। आंसर है, फ्रैम्पटन नेटल वॉज सफरिंग फ्रॉम नर्वस डिसऑर्डर एंड एक्साइटमेंट। तो फ्रैम्पटन नेटल जो है वो नर्वस डिसऑर्डर से परेशान था या पीड़ित था, और एक्साइटमेंट से पीड़ित था। द डॉक्टर एडवाइज हिम कम्प्लीट रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इन दी कंट्री साइड। तो डॉक्टर्स ने जो है उसको एडवाइस किया था कि भैया तुम जो है गाँव की तरफ निकल जाओ और वहाँ पर रिलैक्स करो। शहर में रहता था वो, वहाँ पे उसको दिक्कत हुई डिप्रेशन की, एक्साइटमेंट की, नर्वस डिसऑर्डर की, सॉरी बच्चों, नर्वस डिसऑर्डर और एक्साइटमेंट की प्रॉब्लम हुई उसको, और वो डॉक्टर ने एडवाइस किया कि तुम जो है शांत जगह पे चले जाओ कहीं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज फ्रैम्पटन रिटायर टू द कंट्री साइड। तो फ्रैम्पटन जो है कंट्री साइड की तरफ क्यों आया। आंसर है, फ्रैम्पटन रिटायर्स टू द रूरल रिट्रीट ऑन द डॉक्टर्स एडवाइस। तो फ्रैम्पटन को रूरल साइड में आने के लिए डॉक्टर ने कहा था। ही नीडेड रेस्ट एंड रिलीफ फ्रॉम मेंटल एक्साइटमेंट। तो उसको ना मेंटल एक्साइटमेंट जो थी उससे रिलीफ चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 4, हुम डज फ्रैम्पटन कॉन्टैक्ट इन द रूरल रिजॉर्ट। तो गांव का जो रिजॉर्ट था वहाँ पे फ्रैम्पटन ने किससे कॉन्टैक्ट किया। आंसर है, फ्रैम्पटन गोज टू मिसिस सेपल्टन्स हाउस इन द कंट्री साइड। तो फ्रैम्पटन जो है मिसिस सेपल्टन के घर जाता है कंट्री साइड की तरफ। He carries an introduction letter for his sister from his sister, but he meets Mrs. Sappleton's niece Vera. फ्रैम्पटन जो है ना मिसिस सेपल्टन के घर जाता है अपनी जो सिस्टर है उससे इंट्रोडक्शन लेटर बनवा के उनके घर जाता है, परंतु वहाँ पर वो उसकी नीस से मिलता है, वीरा से। क्वेश्चन नंबर 5, what did Frampton admit as well as notice in मिसेस सेपल्टन्स रूम। तो फ्रैम्पटन जो है क्या एडमिट करता है, क्या नोटिस करता है और क्या पाता है सेपल्टन के रूम में। आंसर है, मिस्टर फ्रैम्पटन टेल्स वीरा दैट ही डज नॉट नो एनीबडी इन द विलेज, ही वंडर्ड वेदर द लेडी वॉज मैरिड और अ विडो। तो फ्रैम्पटन जो है ना वो वीरा को बोलता है कि भी मैं गांव में किसी को नहीं जानता और मेरे को ये नहीं पता कि जो लेडी है मिसेस सेपल्टन जो है शादीशुदा है या विडो है। बट ही डिड नोटिस दैट सम मेल मेंबर्स हैज़ बीन लिविंग इन द रूम। पर वो नोटिस किया उसने कि भी कोई मर्द भी यहाँ पे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, व्हाट सॉर्ट ऑफ ट्रेजेडी हैड हैपेंड इन मिसेस सेपल्टन्स लाइफ एज नरेटेड बाय द नीस। तो मिसेस सेपल्टन की जिंदगी में क्या हादसा हुआ था जैसे उस बच्ची ने बताया उसके हिसाब से, वो हादसा बताओ। आंसर है, वीरा टोल्ड फ्रैम्पटन अबाउट द फैमिली मिसहैप 3 ईयर्स अगो। तो वीरा ने जो ना जो फ्रैम्पटन को बताया भी जो मिसहैप हो गया था 3 साल पहले उसके बारे में बताया। मिस्टर मिसेस सेपल्टन्स हस्बैंड अलोंग विद हर टू ब्रदर इन लॉ हैड गोन फॉर शूटिंग। तो इसके जो सेपल्टन के हस्बैंड और दो ब्रदर इन लॉ जाना शूटिंग के लिए गए थे। दे वर कॉट इन द वेट मार्शी लैंड। और वो मार्शी लैंड में जाके फंस गए, मार्शी लैंड दलदल टाइप का, वहाँ जाके फंस गए। दे नेवर रिटर्न्ड और कभी वापस नहीं आए। बट द आंट वॉज स्टिल होपिंग दैट दे वुड रिटर्न होम एंड एंटर थ्रू द ओपन विंडो। परंतु जो आंट थी ना
वो आज भी यही टकटकी लगा के बैठी थी कि भाई वो आएंगे और इस ओपन विंडो के थ्रू एंट्री लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड फ्रैम्पटन नोटिस अबाउट होस्ट्स चीफ कंसर्न। तो फ्रैम्पटन जो है होस्ट की चीफ कंसर्न के बारे में क्या नोटिस करती है। फ्रैम्पटन जो है बच्चों, व्हाट डिड फ्रैम्पटन नोटिस अबाउट होस्ट्स चीफ कंसर्न। जो होस्ट है जिसके घर पे गया था वो, उसका चीफ कंसर्न के बारे में क्या नोटिस करता है। फ्रैम्पटन नोटिस दैट द होस्ट वाज टर्निंग हर आइज कॉन्स्टेंटली टुवर्ड्स द ओपन विंडो। तो ये देखता है कि जो लेडी है मिसेस एपल्टन, वो जो है वो बार बार उस विंडो की तरफ देख रही है। शी वॉज गिविंग वेरी लिटिल अटेंशन टू हिज स्टोरी ऑफ सिकनेस। और वो जो है उसकी स्टोरी जो थी ना, मैं बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे को दिक्कत है, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। हर चीफ कंसर्न वॉज टू नोटिस हर हस्बैंड्स रिटर्निंग होम। उसका मेन क्या था भाई, मेरे जो हस्बैंड गए हैं बाहर वो कब आएंगे, वो देख रही थी बार बार वो। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डिड द आंट एंड हर नीस से अबाउट फ्रैम्पटन्स सडन एग्जिट। तो उसकी आंट जो हैं और नीस जो है फ्रैम्पटन की सडन एग्जिट के बारे में क्या बोलती हैं। आंसर है, मिसेस सेपल्टन एंड हर नीस टोल्ड डिफरेंट स्टोरीज व्हाई फ्रैम्पटन हैड रन आउट ऑफ द हाउस इन सच अ हरी। तो मिसेस सेपल्टन और जो उसकी नीस है ना, वो अलग अलग स्टोरी बताती हैं फ्रैम्पटन को, भाई जो है अलग अलग स्टोरी बताती हैं और वो क्यों वहाँ से भागा इतनी जल्दी। द लेडी कॉल्ड हिम एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन हु टॉक्ड ओनली अबाउट हिज इलनेस। तो जो लेडी है ना सेपल्टन, वो बोलती है कि यार ये तो ना कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी है कि जो अपनी अपनी इलनेस के बारे में बात कर रहा था। Perhaps he had seen a ghost, so he dashed off. तो उसने क्या ना अपनी अपनी इलनेस की बात कर रहा था, हो सकता है भूत देख लिया भाग गया। But Veera said that the caller had a horror of dogs. तो वीरा ने बोला कि भाई जो फ्रैम्पटन था ना, इसको कुत्तों से बहुत डर लगता था। So the sight of spaniel made him push out. तो जो स्पेनियल की साइट थी ना, जो स्पेनियल वहाँ दिखा तो वो फट से भाग गया वहाँ से, ऐसा वीरा ने बोला। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज वीरा, व्हाट जॉब डिड शी प्ले, व्हाट वाज इट्स आउटकम। तो वीरा कौन है, उसने क्या जॉब प्ले किया और इससे क्या निकला नतीजा। वीरा वॉज द नीज ऑफ मिसेस सेपल्टन, शी वॉज अ यंग गर्ल ऑफ 15, शी वॉज लविंग, फन लविंग एंड मिस्चीवियस। तो जो वीरा है वो सेपल्टन की नीज है, 15 साल की है और बहुत ही नटखट है और मजाक करना उसको पसंद है। शी न्यू हाउ टू आउट द स्ट्रेंजर फ्रॉम द हाउस। तो ये ना ये वर्ड है, ये इसमें मतलब ये है कि वो उसको ये पता था कि भाई स्ट्रेंजर्स को कैसे भगाना घर से। शी प्लेड अ जोक ऑन हिम, फ्रैम्पटन के ऊपर एक जोक खेला इसने और उसे भगा दिया। शी नरेटेड अ कुक्ड अप स्टोरी अबाउट हर आंट्स हस्बैंड। तो उसने ना एक कहानी बनाई खुद ब खुद ही और वो सुनाई उसको, हाँ उसके आंटी के हस्बैंड और दो भाइयों के बारे में और जो ओपन विंडो है उसके बारे में। शी टोल्ड हिम दैट 3 years अगो हर आंट्स हस्बैंड अलॉन्ग विद हर 2 brothers हैड गोन फॉर शूटिंग। और उसने बताया कि भाई जो आंटी का हस्बैंड है ना और उसके 2 भाई हैं, वो शूटिंग करने के लिए गए थे 3 साल पहले। दे वर कॉट इन अ वेट मार्शी लैंड एंड दे नेवर रिटर्न्ड। भाई जो है वो दलदल में फंस गए और कभी वापस ही नहीं आए। बट दी आंट मिसिस सेपल्टन वॉज स्टिल होपिंग दैट दे वुड रिटर्न होम एंड एंटर थ्रू दी ओपन विंडो। परंतु जो आंटी है मिसिस सेपल्टन है, वो आज भी ना इंतजार कर रही है कि भी वो आएंगे और वो ओपन विंडो से एंटर करेंगे। When Mrs. Sappleton come to Frampton, she also confirmed the story of hunting party. तो क्या हुआ कि Mrs. Frampton ने भी confirm कर दिया कि हाँ भाई ऐसी कोई hunting party है या हुई थी। This story had a deep effect on Frampton. और इससे क्या हुआ कि देखो, एक तो यार वो बेचारा पहले परेशान है, mental excitement उसको पहले से थी, ऊपर से इस बच्ची वीरा ने जाना कहानी बना के उसको डरा दिया और Mrs. Sappleton ने उसको confirm कर दिया कि हाँ ऐसा ही है। लेकिन ना बच्ची ने थोड़ा सा ट्रिक किया था इसमें, उसने ये नहीं बताया था, इसने बताया था 3 साल, लेकिन कहानी तो सस्ती हुई, हंटिंग करने तो गए थे वो, लेकिन उसने ना खुद ही उसमें बातें जोड़ दी थी। ही वॉज फ्राइटन टू सी देम कमिंग टुवर्ड्स द विंडो। और उसे डर लगा जब उसने देखा कि ये तो ये कहाँ से आ गए, ये तो मार्शलैंड में फंस गए थे, मर गए थे वहाँ पे।
टेकिंग देम फॉर गोस्ट ही रश्ड आउट ऑफ द गेट इन अ ग्रेट हरी, और उसको लगा कि भूत आ गया और भागना यहाँ से। बच्चों एनसीईआरटी क्लास 8th की दी ओपन विंडो के क्वेश्चन आंसर थे ये, बहुत ध्यान से पढ़ो बच्चों इनको, बहुत ध्यान से सुनो और आपको बहुत बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा इससे। चलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।